बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी फिल्म तेजस को लेकर लगातार लाइमलाइट का हिस्सा बनी हुई है, जहां इस फिल्म के कारोबार पर सभी की नजर बनी हुई है। हालांकि उम्मीद के मुताबिक पहले ही दिन तेजस ने काफी निराश कर दिया था, क्योंकि कंगना की इस फिल्म को दर्शकों ने पहले दिन कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन दूसरे दिन तेजस की कमाई में उछाल देखने को मिला है और धीरे धीरे कंगना रनौत की फिल्म अपनी रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल कंगना रनौत ने अपनी फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया था। साथ ही कंगना ने लोगों से गुजारिश की थी कि तेजस की कहानी सभी को काफी पसंद आएगी, इसलिए थिएटर में जाकर इस फिल्म को जरूर देखें। वहीं कंगना का ये भी कहना था कि लॉकडाउन के बाद लोग हर फिल्म को मौका नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक लोग उससे उभर ही नहीं पाए हैं। हालांकि कंगना के वीडियो के सामने आने के बाद दूसरे दिन के कारोबार में इजाफा देखा भी गया है, क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार कंगना रनौत की फिल्म ने 1.75 करोड़ का कलेक्शन किया है और अगर इन आंकड़ों को ओपनिंग कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो दूसरे दिन का कलेक्शन बेहतर माना जा रहा है। वहीं अब रविवार को फिल्म के आंकड़ों से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि शनिवार के मुकाबले रविवार को ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हालांकि आपको मालूम हो कि तेजस की रिलीज का आज तीसरा दिन है और जहां अब तक कंगना रनौत फिल्म का टोटल कलेक्शन 3 करोड़ पहुंच गया है, वहीं बात करें बाकी फिल्मों की तो कंगना की तेजस गणपत, फुकरे 3 और यारियां 2 से भी काफी पीछे चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ 50 दिन पूरे होने के बाद भी शाहरुख खान की जवान का जलवा बॉक्स ऑफिस पर छाया हुआ है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि कंगना रनौत की फिल्म तेजस संडे को क्या कमाल दिखाती है। वैसे इस फिल्म को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।